ग्वालियर शहर के सटी बरीठा का पुरा में पड़ोसियों के बीच में जमकर विवाद हुआ है, जिसमें गोलियां चलने की घटना भी सामने आई है। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरीठा का पुरा में पंचायत द्वारा बनवाए जा रही सामुदायिक भवन को लेकर वहां रहने वाले दो पड़ोसी आपस में झगड़ गए। दोनों परिवारों के बीच जमकर पथराव हुआ है और गोलीबारी की घटना भी सामने आई है। इस घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जयारोग्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर पुलिस इस पूरे मामले की तथ्यों के जानकारी हासिल कर रही है। लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि महिला और पुलिस गोली लगने से घायल हुए हैं या पथराव से चोटिल हुए हैं। गांव में पता लगा, धीरे धीरे कहा था उनसे तो वो जो है अकड़ने लगे और जो है गाड़ी रोक करने लगे कि ऐसे ही पड़ गए हम तो जो है, और जो है अभी तो हमारा हमारी जगह है, वो हमारा कब्जा है ना। तो उसके बाद मैं जो गांव वाले ने बोला तो जा रहा बोलने लगे हुए। उसके बाद मैं थोड़ा झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया और वो अपने छत पर चढ़ गए, वो लोग उन्हें वो जो पत्थर मारने लगे, ईंट मारने लगे और ज़्यादा मारने उसके बाद में गोली चलाने लगे अपने। वो थाने में कुशवा और गौड़ समाज के दो परिवार हैं, पास पास में रहते हैं, पंचायत भवन बन रहा है। तो गौड़ समाज का कहना यह है कि उनका आरोप यह है कि हमारी लेटरिन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और कुशवा समाज का आरोप है कि पंचायत भवन की ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इस बात पे दोनों में पत्थरबाजी हुई है, दोनों पक्षों के एक एक लोग घायल हुए, उनका मेडिकल कराकर कार्रवाई की जाए। फायरिंग के संबंध में तो ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले अभी।